हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ और नारियल से लड्डू। तो ये हमने यहाँ पर नारियल ले लिए, चार नारियल हैं, इनको कद्दूकस करेंगे। ये हमारे नारियल यहाँ पर कद्दूकस हो गए हैं। अब हम ये गुड़ है और ये 2 चम्मच घी और ये 1 ग्लास पानी। ये हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम गुड़ को डालेंगे। इसमें हमने गुड़ को डाल दिया है। ये 1 किलो गुड़ है और 4 नारियल हैं। अब इसको धीरे धीरे ये पिघलने लगा है, इसको हम चलाएंगे। ऐसे ऐसे करके चलाना है आपको, ऐसे ऐसे। ये कढ़ाई गर्म है, वो उसी तरह से पिघलेगा। ये देखो, ये पिघल रहा है। आपको इसी तरह से इसको चलाते रहना है। ये पिघल रहा है। तब तक ये पूरी तरह ना पिघले, इसको चलाते ही रहना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसमें पानी डालकर भी छोड़ सकते हो, ये उससे भी पिघल जाएगा। लेकिन 2 मिनट तो फिर भी चलाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो आपको पहले इसी तरह से ये पिघलाना है। बाद में आप इसमें पानी डालकर भी पिघला सकते हो। ये देखो, यहाँ पर ये पिघल चुका है। इसमें हम पानी डालेंगे। ये 1/2 कप डाला है हमने, पूरा ग्लास नहीं डाला है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं इसके। नारियल हमारे लिए वैसे भी बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे बालों के लिए। नारियल का तेल बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और गुड़ तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, गर्म होता है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है गुड़। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है। आपको भी एक बार ट्राई करने चाहिए गुड़ और नारियल के लड्डू। ये देखो, हमारा गुड़ यहाँ पर उबल चुका है, इसमें झाग उठना शुरू हो गए हैं। इसको हम इसी तरह से चलाएंगे कम से कम 1 मिनट। फिर उसके बाद हम इसमें जो हमारे नारियल हैं कटे कद्दूकस किए हुए, उनको इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। बच्चों के लिए तो बहुत ही हैं ये। अगर आपके सर में दर्द होता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह के लड्डू बना के सर्दियों में। गर्मियों में तो खैर गुड़ खाता ही नहीं है कोई ज़्यादा, गर्म करता है ये, तो सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम सारे नारियल को डाल देंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इसे सारे नारियल को मिक्स करेंगे हम इसी तरह से, अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। देखो, इसे मिलाएंगे हम। अब ये यहाँ पर मिल चुका है अच्छी तरह। अब इसमें हमारा जो घी है उसको डालेंगे। ये 2 चम्मच घी था, इसको हमने पिघला लिया है, इसको डाल देंगे। घी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि घी डालने से लड्डू जो हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, नरम हो जाते हैं, कड़क नहीं रहते। गुड़ तो पिघल के और ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो इसमें घी डालेंगे तो उसकी वजह से ये नरम ही रहेगा। और जो नारियल का जो तेल पिघल के निकलता है, उससे भी सॉफ्ट ही रहेंगे ये लड्डू। लेकिन घी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप घी ज़रूर डालें। हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। वैसे तो ये बन चुका है, लेकिन अभी ये साइड साइड में जो झाग से उठ रहे हैं वो थोड़ा पतला पतला है, तो इसको हम 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे अभी।
पर ध्यान रखें, चलाते ही रहना है। अब बीच बीच में आपको देख लेना है, अगर इसका जो हम एक उठा के देखेंगे ऐसे, ये देखो चिपक रहा है, ये ऐसे ऐसे चिपक रहा है, ऐसी बांदी सी हो रही है इसकी। अभी पूरी तरह से नहीं है क्योंकि इसमें साइड में जो पानी सा है वो है अभी, तो इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर जो ये पक चुका है और ठंडा भी हो गया है। अब इसके हम लड्डू बांधेंगे। और ये घी है, इसे हमें अपने हाथों पर लगाना है, लड्डू बनाने के लिए बीच बीच में हाथों पर लगाना है। ये हमारा वॉल है जिसमें हम लड्डू रखेंगे, और ये हमारा घी है, इसे हम अपने हाथों पर लगा के इस तरह से लड्डू बनाएंगे। और लड्डू इसके गर्म के ही बनाने, गुनगुने के बनाने, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है, फिर ये कड़क हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको लड्डू बनाने हैं, और ये खाने बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखो हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखो कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं हमारे, बिल्कुल भी हार्श नहीं हुए हैं, नरम नरम से, और बहुत ही स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।